करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडीआईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों वुमेन पावर की, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है, लेकिन इस वुमेन पावर को यूटिलाइज नहीं किया गया है। हम औरतों को आगे बढ़ने ही नहीं देते दोस्तों, ये बड़ा ही हमारे लिए श्राप है, एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। आप जितना भी देख लीजिए, जेंडर इश्यूज की बात कर लीजिए, जेंडर इक्वालिटी की बात कर लीजिए, लेकिन दोस्तों ये सच है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन अभी भी भारत में वो मुकाम नहीं मिला है औरतों को जो उनको मिलना चाहिए। बराबरी कहीं नहीं दिखती। आप खुद देख लीजिए अपने अगल बगल समाज में कैसे आदमियों को ट्रीट किया जाता है और कैसे औरतों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरतें जो होती है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और जो भी काम दीजिए वो आदमियों से अच्छा करेंगी। बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों वुमेन पावर की, वीरांगना लेफ्टिनेंट कॉलोनल मिताली मधुमिता। इस समय तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल है, लेकिन जब इन्होंने ये बहादुरी का काम किया था तब ये मेजर थी। क्या किया दोस्तों इन्होंने, हम देखेंगे। अफगानिस्तान में इन्होंने भारतीयों की जान बचाई थी, 17 जाने बचाई थी दोस्तों, रेस्क्यू किया था इन्होंने, जिसमें से 7 भारतीय थे। तो कमाल की गौरव गाथा है ये, इस लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए दोस्तों, मेजर मिताली मधुमिता की बात करें, मेजर थी उस समय ये, ठीक है ना। अभी तो ये लेफ्टिनेंट कॉलोनल है, ठीक है ना, आप बताना चाहता हूं कि तो आप ये थोड़ा सा यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उस समय ये मेजर थी जब इन्होंने काम किया था। ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री अवार्ड। आपको पता ही है कि आर्मी का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, और आपको जान के खुशी होगी कि जिन जिन भारतीयों को परमवीर चक्र मिला है उन सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, सबकी। तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों वो सारी की सारी बायोग्राफी, कमाल की गौरव गाथा है। भारत पे आप पे आपको इतना ज्यादा गर्व होगा कि ये वीर भूमि है वाकई में। तो दोस्तों ये फर्स्ट वुमेन है, अभी तक किसी भी औरत को, किसी भी वीरांगना को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला, तो इनको मिला था जो इन्होंने काम किया था, कमाल का काम, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में किया था, जब एक बॉम्ब फट गया था, इधर से फायरिंग हो रही है और इधर ये बचा रही है लोगों को। बहुत ही मुश्किल भरा काम दोस्तों, लेकिन ये सफल हुई, जिसकी वजह से इनको सेना मेडल मिला, ठीक है ना। तो गैलेंट्री अवार्ड, वैसे भी गैलेंट्री अवार्ड बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है, आपकी जबरदस्त बहादुरी, ठीक है। आपको बता दूं वैसे इनका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जहां हर कोई प्रोफेसर था, ठीक है। इनकी माता जी भी लेक्चरार थी, वो चाहती थी कि मिताली भी लेक्चरार ही बने, लेकिन इनको तो देश की सेवा करनी थी। वैसे आपको बता दूं आर्मी में बहुत कम वुमेन्स जो है, फीमेल जो है वो जाती हैं, बहुत कम, इनका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं दोस्तों, ठीक है, स्पेशली लड़कियों के, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के, कि सर कैसे हम आर्मी में जाएं। दोस्तों देखिए, कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आर्मी में जाने के लिए आपको एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि 12वीं के बाद होता है, ठीक है। आप एनडीए का एग्जाम दीजिए, 12वीं के बाद आपको आर्मी में जगह मिलेगी, नहीं तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है, 12th लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स पूछी जाती है और जनरल साइंस जीएस पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपको इन सब्जेक्ट्स में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जो आपको आर्मी में जगह दिलाएगी, क्योंकि आर्मी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इसके बाद जब आप ये रिटर्न निकाल लेंगे, तब आपका होगा स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड, SSB होता है, वो 5 दिन तक चलता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जो भी लड़कियां, जो फीमेल स्टूडेंट्स चाहती हैं कि वो आर्मी में जाएं, अभी से ही इंग्लिश मैथ्स अपनी अच्छी करी, इंग्लिश मैथ्स और जीएस। तो दोस्तों परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, ज्यादा लोग, ज्यादा औरतें जो है वो ज्वाइन नहीं करती हैं, ठीक है। बहुत सारी हर्डल्स रहती है, बहुत सारी रुकावटें रहती है, ज्वाइन तो करना चाहती है लेकिन कभी कभी फैमिली की, क्या पढ़ के करोगी, जाके शादी कर लो। अच्छा हुआ मेजर मिताली ने ये नहीं सोचा। तो दोस्तों अगर हम मिताली मधुमिता की बात करें, तो ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से गई थी अफगानिस्तान। अब आपको पता ही है दोस्तों, अफगानिस्तान में चल रहा था अफगान वॉर, 1979 से शुरू है पहला फेज जो था अफगान वॉर, सोवियत अफगान वॉर 1979 से लेकर 1989, 10 साल तक चला। अफगानिस्तान में जाना तो आसान है लेकिन आना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
सारी दुनिया को यह लगता है कि अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, वहां के जो बड़े बड़े शहर हैं उन पर कब्जा कर लेंगे, उसके बाद पूरा अफगानिस्तान हमारा और हर किसी को इसकी सजा जो है वो भुगतनी पड़ी है, ठीक है ना। पहले सोवियत ने यही सोचा 1979 में जब अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन आ गया, और अभी अमेरिका सोच रहा है। सोवियत ने सजा भुगती, हालत खराब हो गई, कुछ भी नहीं जीत पाई, क्योंकि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है, पहाड़ों के बीच में अफगानिस्तान बसा हुआ है, बहुत ही मुश्किल है वहां पे कब्जा करना, आसान नहीं है दोस्तों। वहां पे जो तालिबान है, जो आतंकी हैं, वो बैंड बजा देते हैं, बहुत मुश्किल है वहां पे। तो आप शहर पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन गांव पे वहां पे कब्जा करना इम्पॉसिबल है, रोड्स तक नहीं है जो कनेक्ट कर दें, तो कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले 1989 में सोवियत भागे, लेकिन सोवियत जहां घुसेगा वहां अमेरिका भी घुसेगा, तो अमेरिका ने भी अपनी फौजें भेज दी। लेकिन ये 2001 में अमेरिका ने अपने फौजें भेजी थी जब 9/11 हुआ था। 9/11 2001 में दोस्तों आपको पता ही है कि ट्विन टावर पे अटैक हो गया था, और फिर अमेरिका को यह पता चल गया था कि हम भी आतंकवाद से सेफ नहीं है, हम भी ग्रसित है आतंकवाद से। तो इधर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया था। वॉर ऑन टेरर जब छेड़ा तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सीधा बोल दिया, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ है, सारे देशों को यह बोल दिया। फिर यूनाइटेड नेशंस ने अपनी ISAF भेजी, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सारे देशों के नुमाइंदे थे, सारे देशों के सोल्जर्स थे, ठीक है ना। सारे देशों ने अपनी आर्मी भेजी, भारत की भी आर्मी थी, हालांकि भारत की आर्मी का परसेंटेज बहुत ज्यादा कम था। अब 2001 में ये वॉर ऑन टेरर था किसके लिए, ओसामा बिन लादेन को पकड़ के लाओ, बाय हुक और बाय क्रूक। तालिबान का समय राज था और तालिबानियों ने बोला कि हम तो ओसामा बिन लादेन को नहीं देंगे। तो यहां पे पूरी अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना, डेनमार्क की सेना, यूनाइटेड नेशंस की ISAF वो घुस गई अफगानिस्तान में, और ऐसे घुसी कि अभी तक अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं वो निकल नहीं पा रहे, वहीं फंसे हुए हैं। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पीस ट्रीटी करने वाले थे अफगानिस्तान के साथ, तालिबानियों के साथ पीस डील, वो भी खत्म हो गई। तो बड़ी दिक्कत है दोस्तों, अभी दो महीने पहले की ही बात है, स्टेटस को बना हुआ है। यहां पे सबसे ज्यादा फायदा तालिबानियों को पहुंचा है, तालिबानियों ने काफी ज्यादा कंट्रोल ले लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, और अगर अमेरिका की सेना हटती है तालिबान से अफगानिस्तान से, तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो भैया हम तो यही चाहेंगे कि ये जो तालिबान है, इस जो भी आतंकी, इनको जड़ से खत्म किया जाए और फिर पूरी दुनिया में अमन चैन और शांति फैले। तो यूनाइटेड नेशंस का ही मिशन था, इसी मिशन में मिताली मधुमिता जो है वो अफगानिस्तान में थी, ठीक है। अब अफगानिस्तान में ये थी, ये किस पर्पस से गई थी, वहां पे सिखाने गई थी अफगानी आर्मी को क्या, इंग्लिश लैंग्वेज। अफगानिस्तान की जो वहां के लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उनका कल्चर हजारों सालों से चल रहा है और वो नहीं चाहते कि उनके कल्चर में कोई दखल दे। लेकिन दोस्तों जब वॉर ऑन टेरर हुआ, अब आपको कम्युनिकेट तो करना है ना, आपको अमेरिका की सेना से कम्युनिकेट करना है, ब्रिटिश की सेना से कम्युनिकेट करना है, आपको बातचीत करनी है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे। अब वहां के लोगों को, वहां पे जो अफगान पुलिस है, अफगान आर्मी है, वहां पे तो उनको इंग्लिश आती नहीं। तो इसी पर्पस के लिए मिताली मधुमिता को भेजा गया था, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्मी एजुकेशन कॉर्प, 1921 में ये भारत में बनाई गई थी दोस्तों, ठीक है। ये जगह जगह जाती है हमारी आर्मी के ऑफिसर्स जाते हैं, और जहां पे लगता है उनको सिखाने की जरूरत है दूसरे लोगों को या दूसरी आर्मी को सिखाने की जरूरत है, तो हमारी आर्मी ये भी करती है। तो ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 26 फरवरी का दिन था दोस्तों, 26 फरवरी 2010 का दिन था दोस्तों। सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से एक मिसाइल आती है, बॉम्ब फटता है, चीथड़े उड़ जाते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग के। मधुमिता को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। इससे पहले हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में भी वो रह चुकी हैं, ठीक है, उनको पता है इंसर्जेंसी क्या है, लेकिन यहां पे एक अलग लेवल का ही वॉर चल रहा था, ठीक है। पता नहीं था कहां से हमला हो जाए, इंडियन एम्बेसी में थी, अब एकदम से हमला हुआ, एकदम से बॉम्ब फटा, और जब उन्होंने देखा तो चारों तरफ चीथड़े ही चीथड़े थे, ठीक है। बिल्डिंग का जो मलबा था वो इधर उधर फैला हुआ था, गोलीबारी जारी थी, इधर से जो रिबेल्स थे वो गोलीबारी कर रहे थे। तब मधुमिता को एकदम से होश आया, सुबह का 10 बजे का टाइम था दोस्तों, ठीक है। मधुमिता को एकदम से होश आया कि ये क्या हुआ, ठीक है। अब उनको ये लगा कि मुझे कुछ ना कुछ फटाक से करना पड़ेगा, तुरंत रिएक्ट करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पे मलबे के नीचे बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, अब इसमें अफगानी पुलिस भी थे, अफगानी नेशनल्स भी थे, और साथ ही साथ भारतीय लोग भी थे, ठीक है ना।
तो ये गेस्ट हाउस में हमला हुआ था, तो लेफ्टिनेंट कॉलोनल मिताली मधुमिता बचते बचाते वहां पे गई, 17 लोगों को रेस्क्यू किया। और इसी दौरान दोस्तों गोलीबारी जारी है, गोलियां भी मिताली को भी रख सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और यहां पे 17 लोगों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई, और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और फिर वो खतरे से बाहर हुए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी थी, ये चीज हुई थी और बड़ी खतरनाक सिचुएशन थी। अब बाद में जब इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें आईएसआई का भी यहां सामने आया। देखिए तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता, तभी तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है ना, ठीक है। तालिबान को टेबल पे लाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन पाकिस्तान ये कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं, इसीलिए तो आजकल वो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फेवर कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि तालिबान को टेबल पे लाया जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना बाहर निकाल सके, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन आ गए हैं भैया 2020 में, और जो अमेरिका के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमारे पैसे हमारे सोल्जर्स वो बाहर क्यों लड़ रहे हैं। जब लाशें आती हैं अमेरिका के सोल्जर्स की, अमेरिका के सिपाहियों की, हमारे परिवार का ही एक इंसान जाता है, हमारी आंखों में आंसू होते हैं, तो आप बाहर क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करें, सबको वापस बुलाओ। तो बराक ओबामा ने शुरू किया लेकिन एकदम से अगर अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से बाहर चली जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये तालिबान फ्री हो जाएंगे फिर और भारत के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आतंकी हमले और बढ़ेंगे, तो इसीलिए एकदम से अमेरिका की सेना इनको नहीं निकाल सकती, अमेरिका की सेना नहीं निकल सकती। तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको करें तो करें क्या, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। तो बाद में यही सामने आया कि पाकिस्तान के आईएसआई ने ये हमला करवाया है दोस्तों वहां के आतंकी संगठनों से मिलके, ताकि अफगानिस्तान में जो भारतीय रह रहे हैं, जो इंडियंस हैं, ठीक है, स्पेशली जो इंडियन मिलिट्री वहां पे है, उनको टारगेट किया जा सके। और दो लोग शहीद भी हो गए दोस्तों, इसमें दो सिपाही शहीद भी हो गए, ठीक है। तो ये भी चीज सामने आई, ठीक है। अब ये इन्होंने बताया था कि देयर वॉज अ क्रॉस फायरिंग ऑल अराउंड मी एंड द मिलिटेंट्स वर थ्रोइंग चाइनीज ग्रेनेड्स, मतलब कि भैया ये यहां पे बचाव का कार्य कर रही है और उधर से गोलीबारी बॉम्ब तक ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हैं, ठीक है ना। मिलिटेंट्स को आई कुडेंट सी द मिलिटेंट्स बट दे वर हाइडिंग समवेयर अराउंड मी। अब देख लीजिए अफगानिस्तान ऐसा ही है, आप देख नहीं सकते लेकिन इधर उधर वो छुपे होंगे, ठीक है, बड़ी दिक्कत होती है, क्या कर सकते हैं। आई सर्च थ्रू डेब्रिस एंड बिफोर लॉन्ग स्टार्टेड पुलिंग आउट बॉडीज, फिर मैंने मलबे को हटाया और वहां से मैंने बॉडीज निकालना शुरू किया, ठीक है ना। एनडीटीवी पे ये इनका इंटरव्यू है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादा इनके बारे में डेटा नहीं मिला, मैंने बहुत सर्च किया, ज्यादा इनके इंटरव्यूज भी अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये स्टोरी जो है काफी इंस्पायरिंग है, स्पेशली ये महिलाओं को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, ठीक है। आर्मी की नौकरी दोस्तों वैसे ही रॉयल होती है, तो अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है, मैं अपील करना चाहूंगा सारी लड़कियों से कि आगे आए, एग्जाम निकाले और इंडियन आर्मी को सर्व करे वो, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत ही जल्द एक ऐसी और वीर गाथा के साथ हाजिर होऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।